हेलो पीपल एंड अ वेरी हैप्पी फ्राइडे और लेट्स से अ काइंड ऑफ फैंटास्टिक फ्राइडे फॉर ऑल ऑफ यू। हैप्पी फ्राइडे तो बोलते नहीं है बट देर वॉज वन थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। जो मैंने वेनिसडे को चेक किया, दिस इज़ वेनिसडे का डेटा। सो व्हाट आई चेक्ड इज द ओआई लेवल्स एंड द राइज इन प्राइस एंड राइज इन ओआई एंड राइज इन वॉल्यूम्स। ये तीन कॉम्बिनेशन विच आई टोल्ड यू, आई चेक इट फॉर थ्री स्टॉक्स। आई चेक इट फॉर HDFC बैंक 600% फॉर अप्रैल फ्यूचर्स। सो दिस इज़ फ्यूचर्स एक्सपायरी ऑन अप्रैल के नंबर्स। चेक इट फॉर दीवीज लेबोरेटरीज एंड देर वॉज वन मोर स्टॉक, आई थिंक इट वॉज ITC। या तो ये तीनों में हमें वो एंड लुक एट इट टुडे। टुडे वी आर ऑन 5th February। आप तीनों स्टॉक्स का मूवमेंट देख सकते हैं। ITC का मूवमेंट मैंने आपको हमेशा कहा था, राइट? ITC विल ब्रिंग बैक इट्स मोजो एंड यू कैन सी दैट इट्स गॉट इट्स मोजो बैक। इट्स वेरी मच बैक इन द रेकनिंग। कोई भी लेमैन स्टॉक आप उठा के देखिए, उसमें ITC की जो री रेटिंग हुई है इन दी FMCG पैक। आई रिमेंबर लॉट ऑफ आर इन्वेस्टर्स वर आस्किंग एंड आई हैड रिकमेंडेड टू बाय ITC एट इवन एट 210 लेवल्स। वी हैड अ बाय ऑन दिस स्टॉक एंड द रीज़न वॉज वेरी सिंपल, बिकॉज अगेन नंबर्स डोंट लाई एंड पूरा मोमेंटम जो है वो FMCG पैक की तरफ चला गया है ना। सो द होल मोमेंटम वॉज गोइंग विद दिस कंपनीज री रेटेड नंबर्स। सेकेंडली HDFC बैंक, बिकॉज ग्रेट क्वार्टरली नंबर्स, एक्सलेंट मैनेजमेंट, मोमेंटम प्ले है। RBI ने आज पॉलिसी में आपने देखा जो रेट्स हैं वो स्टेबल रखे हैं, अनचेंज रेट्स रखे हैं। ऑल दिस हेल्प्स मार्केट लीडर्स। एंड थर्ड इज़ दीवीज लेबोरेटरीज। आई मीन दीवीज लैब्स के बारे में तो व्हाट कैन वी से, द बिगेस्ट बेनिफिशरी ऑफ APIs, एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के आफ्टर चाइना जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। लाइक चाइना का जो डाउनफॉल होगा तो जो बिगेस्ट बेनिफिशरी ऑफ दैट इज़ दीवीज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दीज नंबर्स आर अप्रैल एक्सपायरी, FNO कॉन्ट्रैक्ट्स के अप्रैल के जो नंबर्स है वो है ये। वी जस्ट चेक द ट्रेंड्स एंड जो मुझे स्ट्राइकिंग फीचर लगा ट्रेंड्स में वो ये अप्रैल के नंबर्स थे। एंड आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू कि अप्रैल एक्सपायरी में अगर इतना बड़ा मोमेंटम आ रहा है देन डेफिनेटली सम पोजिशंस विल बी बिल्ट, राइट? यू कैन सी दैट पोजिशनल। तो पोजिशनल ट्रेड आई थिंक इज़ मच बेटर देन डेली, यू नो, ब्रेकिंग योर हेड। हालांकि डेली में भी यू हैव द स्टैट्स बट इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। पोजिशनली आप अगर पोजिशन ले लें, जैसे ITC में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनको मैंने राय दी वो पूछते रहते थे, डिस्क्लेमर, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट। ITC में मैं वाइंड अप करने से पहले यही कहूँगा, वी हैड गिवन अ कॉल ऑन इट एंड वी आर वेरी श्योर 240 के लेवल्स कभी ना कभी टच करेगा, वेरी इन द नियर फ्यूचर, मतलब वेरी सून। सो देर आर रीजन्स फॉर डेटा बैक्ड प्रिडिक्शंस, ओके? सो देर आर टिपिकल रीजन्स होते हैं उसके। ITC में आई एम नॉट सरप्राइज कि 20 rupees का अप मूव है, बट आई मीन यू हैव टू प्ले, यू हैव टू बिलीव इन द स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यू हैव टू बिलीव इन दैट स्टोरी एंड यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली। तो ITC तो किसी भी ट्रेडर के लिए या किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक आइडियल स्टॉक आप ले सकते हैं। एनी वे, कीप वॉचिंग दीज थ्री स्टॉक्स। इन तीन स्टॉक्स के अलावा दूसरे जहाँ हमारी नज़र है बजाज फाइनेंस पे है, रिलायंस पे है, देर इज़ कीप वॉचिंग इट। रिलायंस में बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग आपको आता हुआ दिखेगा। तो पोजीशन संभाल के चलने के साथ साथ नज़र ओपन रखिए। लुक एट मार्च एक्सपायरी एंड अप्रैल एक्सपायरी एंड कीप प्रॉफिटिंग। आई विल सी यू अगेन वेरी सून।